हेलो गाइस, वेलकम टू द एजीबीटी न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करेंगे कैप्टन मार्वल के बजट के बारे में, जो कि रिवील हो चुका है। आप सभी जानते हो कि कैप्टन मार्वल काफी कम टाइम में बनके पूरी तैयार भी हो गई और देन उसका पहला ट्रेलर हमारे सामने आ चुका है। और ये पोस्ट मैंने अपने फेसबुक पेज पे काफी पहले डाला था। मैंने सोचा कि अब ये सही वक्त है इसके ऊपर वीडियो बनाने का। आप सभी जानते हो कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में सिर्फ दो डायरेक्टर ऐसे हैं जो कि बजट की टेंशन नहीं लेते और देन उन्हें मूवी अच्छी चाहिए, यानी कि एवेंजर इन्फिनिटी वॉर के डायरेक्टर एंथोनियो जोरूसो। और मार्वल फेज 3 में, फेज 2 में, फेज 1 में काफी सारी मूवी आई बजट से रिलेटेड, जो कि कम बजट में अच्छी बनके साबित हुई। और आज अब मैं आपको बताऊंगा कि कैप्टन मार्वल एक्चुअल में कितने की बनी है। तो कैप्टन मार्वल टोटल पूरी 152 मिलियन में कंप्लीट बनके तैयार हो चुकी है। अगर इंडियन करेंसी में से कन्वर्ट करा जाए तो करीब ये 1100 करोड़ की बनके तैयार हुई है। जी हाँ, अब काफी लोग कह रहे हैं कि ये काफी कम बजट है, बट ऐसा नहीं है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ सिंपली। कैप्टन मार्वल मूवी से पहले 2008 में आई आयरन मैन मूवी मात्र 140 मिलियन में बनके तैयार हो चुकी थी और देन उसके बाद वो सुपर हिट गई। तो ऐसा नहीं है कि कम बजट की कोई मूवी फ्लॉप जाए। तो कैप्टन मार्वल अगर 152 में बनके तैयार हुई है तो ऐसा नहीं है कि ये फ्लॉप जाएगी। आयरन मैन के मुकाबले मुझे लगता है कि ये मूवी भी हिट जाएगी। और कैप्टन मार्वल MCU एवेंजर 4 से पहले की मूवी है, तो मेरे हिसाब से इसकी स्टोरी को कंटिन्यू समझते हुए ये मूवी हिट जाएगी। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि 152 मिलियन की है। और देन इस मूवी को अगर 90s के स्टाइल में बनाया गया है तो पुराने फैंस हैं जो मूवीज के, उनके लिए तो ये काफी बड़ी बात है। और आज की बोनस न्यूज जो कि अभी 5 मिनट पहले आई है, तो आपको पता होगा एवेंजर 4 के रीशूट चल रहे हैं, जिसमें कि रूसो ब्रदर ने अभी हाल ही में एक बिहाइंड द सीन फोटो डाला है जिसमें कि वो काफी हार्ड वर्क करने में लगे हुए हैं, जो कि अभी हाल ही का अपडेट है। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो इस वीडियो को नहीं देख रहे हो क्या, तो उस पर कैप्टन मार्वल के हाथ मारो या पैर मारो। सब्सक्राइब करो। बाय बाय, जा रहा हूं।